हेलो फ्रेंड्स, आई शालिनी वेलकम यू ऑल टू लर्नर्स अकेडमी। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करने जा रहे हैं वन नोट के हैंग होने की। कई बार हमारे पास इतना बल्क में डेटा हो जाता है, हम बहुत सारी नोटबुक्स क्रिएट कर लेते हैं और उन नोटबुक्स में हम इतना डेटा ले आते हैं तो हमारा जो वन नोट है वो बहुत ही स्लो हो जाता है। या फिर आप कह सकते हैं कि कई बार ऐसी फाइल्स हम लेके आते हैं, पीडीएफ फाइल्स इंसर्ट करते हैं तो आपका जो वन नोट है वो हैंग हो जाता है या फिर लैगिंग प्रॉब्लम आपको आती है। तो इस तरह की जब आपके पास प्रॉब्लम आती है वन नोट को, तो आपने उस प्रॉब्लम को कैसे टैकल करना है और उसके क्या क्या सॉल्यूशंस हैं, आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। आज मैं आपको तीन ऐसे मेथड्स बताऊंगी जिसकी हेल्प से आपके वन नोट की ऐसी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। तो आप एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि आगे आने वाली ऐसी यूज़फुल वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास डेटा बहुत हो जाता है हमारे वन नोट की नोटबुक्स में, तो हमारा जो वन नोट है वो हैंग हो जाता है। कई बार इतना स्लो हो जाता है कि हमारे जो पीडीएफ के पेजेस हैं वो भी ओपन नहीं हो पाते। तो ऐसे में हम क्या करें, तो मैं आपको बताऊंगी तीन मेथड्स। जैसा आपको पता है कि वन नोट जो है इनबिल्ट है आपका, तो आपको विंडो और वन नोट दोनों को ही यहाँ पर ध्यान में रखना होगा और दोनों की ही हम बात करेंगे क्या क्या ऐसे स्टेप्स आप करेंगे जिसकी हेल्प से आपके वन नोट की जो प्रोसेसिंग है वो फास्ट हो जाएगी। सबसे पहले मैं बात करूंगी जो वन नोट की कैशे है उसको हम डिलीट करेंगे। कैशे देखिए एक ऐसी मेमोरी है जिसमें टेम्परेरी फाइल्स होती हैं। आप कह सकते हैं कि वन नोट को कुछ ऐसी फाइल्स की ज़रूरत होती है तो वो कैशे मेमोरी से उठाता है और वो फाइल्स टेम्परेरी होती हैं, तो उन फाइल्स को हम डिलीट करके अपनी जो स्टोरेज है उसको इनक्रीज़ कर सकते हैं और आपका जो वन नोट है वो स्पीड अप हो जाएगा। तो वन नोट की जो कैशे है वो आप कैसे डिलीट करेंगे, सबसे पहले आप सर्च पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप लिखेंगे परसेंटेज ऐप डेटा परसेंटेज, इसको सर्च करके आप एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं आपका ये डायलॉग बॉक्स जो है वो ओपन हो जाएगा। बेसिकली हमने ऐप डेटा से यहाँ से कैशे मेमोरी को क्लियर करना है। या फिर अगर इस तरह आपने ऐप डेटा के फोल्डर पे नहीं पहुँच रहे तो इसको पहुँचने के एक और मेथड है, तो वो मेथड क्या है मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले हम इसको करेंगे क्लोज़, वन नोट को भी हम क्लोज़ करेंगे। आप जाएंगे फाइल एक्सप्लोरर, दिस पीसी, उसके बाद आप जाएंगे सी ड्राइव में। सी ड्राइव में जाकर आप यूज़र्स फोल्डर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो आपका फोल्डर क्रिएटेड है जिस नाम से विंडो, उसको क्लिक करेंगे और आप यहाँ पर सर्च करेंगे ऐप डेटा। अगर आपका ऐप डेटा यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा है तो आप व्यू में जाएंगे। व्यू में जाके यहाँ पे हिडन आइटम्स है, इस पे आप टिक कर देंगे। ये चेकबॉक्स जो होगा वो अनचेक होगा। जैसे इसको आप चेक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐप डेटा का फोल्डर आ जाएगा। जैसे ही आपके पास ऐप डेटा का फोल्डर आएगा, इसको आप ओपन करेंगे, लोकल में जाएंगे। लोकल में जाने के बाद आप सर्च करेंगे माइक्रोसॉफ्ट का फोल्डर। ये मेरा फोल्डर है, इसको मैं ओपन करूँगी। माइक्रोसॉफ्ट के फोल्डर ओपन करने के बाद हम यहाँ पर सर्च करेंगे वन नोट। वन नोट फोल्डर को आप ओपन करेंगे। यहाँ से ये 16.0 फोल्डर है, इस पर आप क्लिक करेंगे, इसको ओपन कर देंगे। यहाँ पर देखिए आपके पास तीन फोल्डर्स आ गए हैं। एक आपके पास फोल्डर है कैशे। कोई भी मेथड आप अप्लाई करेंगे उससे पहले मेक श्योर कि आप अपने डेटा का बैकअप जो है वो रख लें। डेटा का बैकअप होना बहुत ज़रूरी है। कई बार जब हम वन नोट को रीइंस्टॉल भी करते हैं तो हमारा जो डेटा है वो लॉस हो जाता है। तो इस वीडियो में बताए गए तीनों मेथड से पहले आप अपना जो बैकअप है वो ले लीजिए। तो कैशे मेमोरी पे राइट क्लिक करेंगे और इसको आप
यहाँ से कर देंगे डिलीट। तो देखिए कैशे फोल्डर आपका डिलीट हो चुका है। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड है जिसकी हेल्प से आपका जो वन नोट है वो स्पीड अप हो जाएगा। तो बढ़ते हैं सेकंड मेथड की तरफ। सेकंड मेथड है इंस्टॉल द मिसिंग अपडेट। आपके पास वन नोट है, आपके पास विंडो है, दोनों को ही आपको अपडेट करना होगा। अगर आपका कोई अपडेट मिस हो गया है तो मेक श्योर आप यूज़ करने से पहले उसको अपडेट कर लीजिए। विंडो अपडेट करने के लिए यहाँ पे आप सर्च बॉक्स में सेटिंग ऐप लिखेंगे या फिर सेटिंग्स लिख देंगे, आपका सेटिंग ऐप ओपन हो जाएगी। यहाँ से आपने जाना है अपडेट एंड सिक्योरिटी, इस पे जाएंगे। अपडेट एंड सिक्योरिटी के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगी विंडोज़ अपडेट, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप चेक फॉर अपडेट्स, इस पे क्लिक करेंगे तो आपके विंडो का अगर कोई अपडेट आया होगा तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। विंडो ऑटोमेटिकली आपको अपडेट देता है और बैकएंड पे आपकी विंडो अपडेट हो जाती है, और जब आप अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करते हैं तो जो अपडेट है आपके विंडो में हो जाता है। लेकिन कई बार कुछ ऐसे एरर्स, कुछ ऐसे बग्स हो जाते हैं जिसकी वजह से आपके विंडो जो है वो अपडेट नहीं हो पाती। तो इसलिए हमें एक बार यहाँ पे जाकर ज़रूर चेक कर लेना है कि आपकी विंडो अप टू डेट है या नहीं। विंडो हमारी अपडेट है, अब हमने देखना है कि क्या हमारा ऑफिस भी अपडेट है। तो ऑफिस अपडेट देखने के लिए आप कोई भी एप्लीकेशन ओपन कर लेंगे। मैंने वन नोट ओपन किया, तो ये देखिए अभी थोड़ा सा इसको टाइम लग रहा है। फाइल ऑप्शन में जाएंगे, फाइल में जाने के बाद यहाँ पे आप जाएंगे अकाउंट, अकाउंट में आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑफिस अपडेट्स, यहाँ पे आप क्लिक करें। यहाँ पे देखिए आपके पास चार ऑप्शंस आएंगी, अपडेट नाउ, डिसेबल अपडेट, व्यू अपडेट्स एंड अबाउट अपडेट्स। अगर आप अपडेट देखना चाहते हैं आपका कब कब अपडेट हुआ ये पूरी हिस्ट्री है, तो आप व्यू अपडेट से देख सकते हैं। अगर आपने अपडेट करना है अपने ऑफिस को तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे अपडेट नाउ। तो ये देखिए ये अपडेट के लिए चेक कर रहा है, कोई अपडेट पेंडिंग तो नहीं है। तो बैकग्राउंड में जितने भी ऑफिस के अपडेट्स हैं वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो रहे हैं। तो मीनवाइल तो उस टाइम पे भी हम अपने ऑफिस के जितने भी टूल्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। अब बात आती है नेक्स्ट हमारा लास्ट मेथड, जिसमें हम अपने हार्डवेयर ग्राफिक्स को डिसेबल करेंगे। देखिए क्या होता है, जो वन नोट होता है वो आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर को अपने सॉफ्टवेयर के साथ यूज़ करता है, तो इसलिए हमारा जो एक्स्ट्रा लोड पर पड़ जाता है जिसकी वजह से हमारा जो कंप्यूटर है वो स्लो हो जाता है। तो इसको आप कैसे रिकवर करेंगे, इसको रिकवर करने के लिए आप फाइल ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे आप ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। ऑप्शंस आ चुकी हैं, यहाँ पे आप एडवांस्ड ऑप्शन में जाएंगे। एडवांस्ड ऑप्शन में नीचे आपको ऑप्शन मिलेगी डिस्प्ले, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ऑप्शन है डिसेबल हार्डवेयर ग्राफिक्स एक्सेलरेशन। तो ये चेकबॉक्स आपका अनचेक है, इसको आप चेक करेंगे और इसको कर देंगे ओके। इन केस आपका ये चेकबॉक्स चेक है तो आप इसको अनचेक करेंगे। तो मैंने इसको चेक कर दिया है और इसको करूँगी मैं ओके। तो अब क्या होगा, जितना भी आपका हार्डवेयर के साथ इसके कोलैबोरेशन होगी वो कम हो जाएगी। तो इस तरह से इन तीन मेथड्स को यूज़ करके आप भी अपने वन नोट को ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। आपका वन नोट जो है वो अब स्लो नहीं होगा, बहुत अच्छे से आपका वन नोट काम करेगा। और जितनी भी आपको प्रॉब्लम्स थी, जो लैगिंग की प्रॉब्लम थी या फिर आपके वन नोट बहुत स्लो था, वो सारी प्रॉब्लम्स आपकी रिजॉल्व हो जाएंगी। तो आज की वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग अस।
Thank you.